नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी एक बार फिर से चर्चा में है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया। सरकार के पास एक अच्छा खासा डेटा है, कौन जरूरतमंद है, किसको किसकी आय 1,80,000 से नीचे है, कौन 50,000 से 1,00,000 रुपये सालाना आय वाले हैं, रजिस्ट्रेशन वाहन से लेकर के और दूसरी चीज़ें हैं। अब सरकार को लगता है कि ये जो परिवार पहचान पत्र है इसके जरिए वो जो सीधा सीधा जरूरतमंद है उनकी मदद कर पाएगी। चुनाव बहुत दूर नहीं है लेकिन इसको लेकर टीका टिप्पणियां चल रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के कुमारी शैलजा एक बार फिर परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से सीधा सीधा ताल ठोक कर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है चीज है। आपको बता दें कुछ और राज्यों में भी परिवार पहचान पत्र की चर्चा लगातार हो रही है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर भी वैसे ही तेज हो रहा है। सभी सियासी दल के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर अपने अपने दांव चल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरने का काम किया है। और इस बार कांग्रेस ने पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र को लेकर बीजेपी की मनोहर सरकार को बैकफुट पर लाने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा तक इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया गया है। लोगों को, जो जरूरतमंद लोग थे, उन तक उनके अधिकार नहीं पहुंचे हैं। आज किसान रोज सड़क पर आता है, छोटी छोटी बात को लेकर किसान को जब सड़क पे आना पड़ता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तो परिवार पहचान पत्र पर बोलते हुए यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार बनते ही पीपीपी को खारिज करेंगे। कहना चाहूंगी कि ये जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई है, ये सबके गले का फांस बन गई है। और इसका जो है, सबसे पहले मैं तो ये कहती हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद इसको जो है हम खारिज करेंगे। कांग्रेस की तीखे बयानबाजी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दो टूक जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान, इसका फैसला जनता चुनाव में देगी। मेरा तो कहना है कि इन सब विषयों के ऊपर जितना ज्यादा वो आगे आएंगे, जिसका जनता को लाभ होता है, ऐसे इश्यूज को जितना वो छेड़ेंगे उतना जनता उनको उत्तर देगी। वो तो खत्म करेंगे, मानो कभी पीपीपी खत्म करते हैं, कभी पोर्टल खत्म करते हैं, कभी मेरिट के सिस्टम को खत्म करते हैं, जनता उनको खत्म करेगी, इतना ही मैं कहता हूँ। आने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी दलों में वार पलटवार का दौर भी जारी है और अब देखना यह है कि सियासी अखाड़े में किस पार्टी का पहलवान धोबी पछाड़ देता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण ढुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। और सुखबीर तंवर, आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। कृष्ण ढुल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, परिवार पहचान पत्र आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, डेटा आपके पास आ चुका है, अब या तो ये परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के बाद अब जरूरतमंद जो डेटा आपके पास है उन तक मदद पहुंचे, तब विपक्ष को जवाब मिले, वरना विपक्ष तो कह रहा है कि ये पीपीपी जो है ये परेशानी है लोगों के लिए। जी वरुण भाई, देखिए, जैसा कि कभी भी किसी पहले नई योजना को लागू किया जाता है तो उसमें कोई त्रुटियां रह सकती हैं, ये मैं मान सकता हूं और मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले माना है। लेकिन परिवार पहचान पत्र भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने हमारे जो विचारक थे, नेता थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक सपना था अंत्योदय, जिसमें ये कहा गया था कि भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता, तब तक सरकार जो है वो फेल हो जाती है। ऐसा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, जिसको लेकर के मनोहर जी, जो कि संघ के विचारक रहे, उस नाते जब वो प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मेरे प्रांत में, जहां पहले कांग्रेस के राज में, इंडियन नेशनल लोकदल के राज में भाई भतीजावाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का और सिर्फ अपनों को ही लाभ देना, इस विषय पर सरकारें आती जाती रही, वही मनोहर सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया
कि प्रदेश में रहने वाले जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनकी एक पहचान की जाए, उनकी एक फैमिली आईडी बनाई जाए, ताकि सरकार के द्वारा जो स्कीम है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा, वो लाभ उन तक सीधा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से हमारे हरियाणा के लोगों को वो जो लाभ के हिस्से से वंचित रह जाते थे पुराने समय में, चाहे वो कांग्रेस ने 100 गज के प्लाट बांटे हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के समय में राशन कार्ड को लेकर के बात बनी हो, चाहे वो नौकरियां देने को बात हो, चाहे वो और भी किसी भी प्रकार की कोई स्कीम का अगर लाभ देना था, चाहे वो 100-100 गज के प्लाट थे, बीपीएल कार्ड होल्डर थे, राशन कार्ड थे, उन सबको अगर किसी को लाभ देना था तो उन्होंने एक सूची पहले बना लेते थे कि अपने लोगों को लाभ मिले। इसलिए हमारा हरियाणा जो है वो पिछड़ता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। इस नाते से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, दुल साहब मेरा इसमें एक सवाल है, जब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हम आएंगे तो इसको खारिज कर देंगे, और पब्लिक के बीच वो ये बता रहे हैं, कई बार होता है कि हमारी चर्चा किसी और विषय पर होती है लेकिन विपक्ष के साथी कहते हैं कि पीपीपी परेशानी है, आपको लग रहा है कि अब ये बात पुरानी हो गई परेशानी वाली? हाँ नहीं, मैंने बता देंगे क्या था कि जब परिवार पहचान पत्र का ये योजना मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आई तो हमने सर्वे करवाया था, उस सर्वे में हो सकता है कुछ त्रुटियां रही हो, और वो स्वयं लोगों का खुद का सर्वे था, यानी कि जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारियां मेरे घर से मैंने या मेरे परिवार के किसी एक आदमी ने वो दी थी। बाद में अब उस वक्त क्या भ्रांति उनके मन में थी, किस चीज को लेकर के था, कहीं उनमें कुछ त्रुटियां रही, और बाद में जब लोगों को समझ में आया तो ऑब्जेक्शन आने शुरू हुए, और धीरे धीरे जो है अब तो मात्र बहुत कम ही शिकायतें जो है ऑनलाइन बची हुई है, जिसमें कि हम परिवार पहचान पत्र पीपीपी, जिसमें कि हमारे विपक्ष के साथियों ने ये कहना है कि हम सरकार आते ही इस पीपीपी को खारिज करेंगे, पोर्टलों को तोड़ देंगे, टेलीफोनों को फोड़ देंगे, ये जो कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर अपनी एक इस प्रकार की सोच है, जिसमें इन्होंने ये ठान लिया है कि हरियाणा प्रांत का जो इस लाभ का हकदार है उसको हम ये लाभ नहीं लेने देंगे, इस सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं है। तो इनको साधुवाद है, मनोहर जी ने तो ये कहा कि जनता करेगी फैसला, इनको पीपीपी तोड़ने का फोड़ने का और ये अधिकार देती है कि नहीं देती है, अभी तो मुंगेरी लाल के सीन सपने देख रहे हैं, वो देखने ठीक ठीक। मैं आता हूँ केवल डिंगरा जी, सवाल ये है कि भाई जब आपको मौका मिलेगा तब, लेकिन अभी जनता तय करेगी कि परिवार पहचान पत्र उनके फायदे का है या नुकसान का है। डिंगरा साहब आवाज मिल रही है आपको? कि लोगों की पेंशनें काटी जा रही है, सुनिए लोगों की पेंशनें काटी जा रही है, लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, लोगों को ये जो पीपीपी है ये एक तरह से गरीब आदमियों को परेशान करने का पत्र है, और गरीब आदमी को परेशान करने के लिए देखिए, एक बीपीएल कार्ड में अगर किसी का नाम हो और उसको आप काट दो, और उसको अगर काटोगे तो वो अपनी सुविधाओं से वंचित होगा, अगर आप किसी की पेंशन काटोगे तो वो अपनी सुविधा से गरीब आदमी वंचित होगा, इससे बीजेपी को फायदा क्या नजर आ रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। ये गरीब आदमियों को भी मारने की सरकार है, एजुकेशन स्कूल थे, स्कूल 5000 बंद कर दिए, उनको भी मारने की सरकार है, कोई आदमी इनको दिखता हो ना कि जिसको कोई थोड़ी सी कोई लाभ मिल रहा हो, कोई रोटी मिल रही हो, कोई पानी मिल रहा हो, कोई खाना मिल रहा हो, तो उसके अगेंस्ट सरकार है ये आम आदमी जो होता है वो ऑलरेडी बीपीएल में है, या ऑलरेडी जो आदमी पेंशन ले रहा है वो कितना कितना बड़ा आदमी होगा, वो कोई बहुत तगड़ा आदमी तो होगा नहीं 2000-2000 पे पेंशन लेने जाएगा, और वो बहुत तगड़ा आदमी नहीं होगा कि बीपीएल का राशन लेने जाएगा, ये उनके ऊपर भी कुठाराघात कर रहे हैं। ये भाजपा की जो छोटी सोच है, छोटी मानसिकता है, ये गरीब आदमियों के खिलाफ है, और ये वही संगी लोग हैं। मतलब आप लोग सत्ता में आएंगे तो पीपीपी हटाएंगे ना? बिल्कुल हटाएंगे, 100%। हम गरीब आदमियों के हक की सरकार है, ये गरीब आदमियों के अगेंस्ट सरकार है, ठीक है। जो संघ था वो भी इसी तरह से एक्ट करता था, और बीजेपी भी उसी तरह से एक्ट करती है। ठीक,
रजत पंजेटा, पीपीपी पे सरकार कह रही है भाई थोड़ा मतलब ऐसा है कि एक कोशिश कर रही है वो कि जो जो लोग जरूरतमंद हैं उनका सही डेटा और उन तक सही योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसका विरोध लगातार हो रहा है। और अब तो सीधी बात है कि जनता तय करेगी भाई इसका फायदा है या नुकसान है। देखिए वरुण जी, आपने दो चीजें कही इसके अंदर। आपने जो पहले कहा डेटा, डेटा तो सरकार कलेक्ट कर रही है, उसका वजह अलग है और इसका जो लाभ पहुंचना चाहिए वो अलग है। अब ये जो है ये परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परमानेंट परेशानी पत्र बन गया है। मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं उसके पीछे तर्क क्या है। जो व्यक्ति पात्र है, आपने कहा जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जरूरतमंद तक जो है वो सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचना चाहिए जो केवल आज कागजों में है। यहां सीधा सीधा जनता भाजपा के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछना ये चाहूंगा कि आपने परिवार पहचान पत्र में 5 लोगों को जोड़ दिया, 6 लोगों को जोड़ दिया, उसका पहले तो आपने एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी से आधार कलेक्ट करा लिए, ना उनके पास कोई अनुभव था ना कुछ और था, चलो आपने करा दिए। अब जो पात्र व्यक्ति है उस तक उसका नुकसान कैसे होगा, और जो पात्र व्यक्ति नहीं है जो परिवार में जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ने से दूसरे का नुकसान कैसे होगा। आपस में किसी की आपस में अगर नहीं बनती और एक व्यक्ति पात्र है और उसकी आय ज्यादा है और उसकी वजह से जो दूसरा है कोई भी, चाहे वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता या छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई नहीं, कुछ भी इशू हो सकता है, तो उस वजह से वो जो सरकार की जो उसको लाभ पहुंचना चाहिए था उससे वो वंचित रह जाएगा। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा था कि हरियाणा के ऊपर पहले कर्ज बहुत बढ़ चुका था जिसकी वजह से ये कौशल रोजगार जैसी योजनाएं लेकर आए। अब एक कौशल रोजगार जैसी तो व्यक्ति को जो 1 साल के लिए नौकरी करेगा वो तो वैसे ही जो सरकार की पेंशन या अलग स्कीम्स है वो उससे वंचित हो गया पहले। अब अगर आपने परिवार में यहाँ परिवार पहचान पत्र को जोड़ ही दिया, जबकि हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर हर एक का अपना अलग एक परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड है जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड कहा जाता है, हर एक बंदा अपनी अलग इंडिविजुअल इनकम टैक्स फाइल करता है जो उस दायरे में आता है, तो आपने 5 लोगों की 4 लोगों की इनकम को पहले तो क्लब कैसे कर दिया। दूसरा, कल को कोई और घटना हो जाए, किसी का तलाक हो गया, कोई अलग रहने लग गया, वो उसी आईडी में जुड़ा हुआ है, दिक्कत आ रही है, केस में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन वो परिवार पहचान पत्र एक बना हुआ है, उसके बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, वो किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे, तो पात्र व्यक्ति को आपने एक तरीके से वंचित कर दिया जो व्यक्ति पात्र नहीं है। दूसरा, अगर आपने ये डेटा कलेक्ट करना था जरूरतमंदों के लिए तो आपको सिर्फ हरियाणा के भाई ऑप्शनल रखना चाहिए था कि भैया जिनको हरियाणा की जो सरकार की नीतियां हैं, जिनको उसकी स्कीम चाहिए, आप केवल उन्हीं को इसमें एनरोल करें, वो खुद अपना आगे बढ़ के करें। आपने पूरे हरियाणा की जनता पे से थोप कैसे दिया, ये पूरे देश में नहीं है। अब भाजपा की स्कीम है कि जो भाजपा शासित राज्य है उनको ये दिखाने की कोशिश करें कि हम भी इसको अडॉप्ट करेंगे। हाँ, डेटा की जहां तक कलेक्शन की बात है, डेटा जरूर सरकार ने सरकारी पैसे से कलेक्ट किया, जिसमें अखबारों में कई बार आया, कई बार 10.5 लाख, कई बार 11 लाख, कई जगह 12 लाख, ऐसी खामियां जगह जगह देखने को मिली हैं। तो आप ऐसे लोगों को जब एक हर एक की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है भैया, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है। जी नहीं नहीं, मेरा तो सवाल इसमें यह था जो आप कह रहे थे भाई कोई डिवोर्स वाला मामला है या कोई बच्चा अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहा है, ये तो संख्या बहुत ही छोटी होगी ना अगर परसेंटेज में जाएं तो। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत सारी पेंशन कटी है इससे। अगर आप देखें परिवार पहचान पत्र से अगर आपने क्लब कर दिया तो उससे तो बहुत सी पेंशन, लाखों में पेंशन काटी है। नहीं वो वाली त्रुटि तो उन्होंने कहा हमने सुधार ली है। मैं तो ये जो आप कह रहे हैं डिवोर्स वाला मामला या फिर ये तो संख्या बहुत कम हुई ना। वो तो कहां आप सुधर ही नहीं सकती वरुण जी, आप 4-5 लोगों की आय इकट्ठी कर रहे हो, कैसे सुधर जाएगी वो तो परमानेंट ही हो गया ना। ठीक, वो परमानेंट फ्लो है। अगर आप 5-4-5 लोगों की परिवार में आय इकट्ठी करते हो उसके बाद किसी का सबका नुकसान ही हुआ ना जो पात्र थे। चलिए तो सिंपल फॉर्मूला इसमें क्या हुआ है, जब भाई आप एक इंडिविजुअल की आय को करो जो पात्र है उसको दो। ठीक है, इसमें क्यों कटी है पेंशन, सबको पता है पेंशन क्यों कटी, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना, सारी जनता जानती है इसको, ये नहीं सरकार इस पे भाग सकती। ठीक है, सुखबीर तंवर भाई बताएं आपको लगता है पीपीपी सरकार को बड़ी उम्मीद है कि साल भर का जो समय है
उसके अंदर जरूरतमंदों तक सरकार पहुंचेगी और पीपीपी एक कामयाब जो फॉर्मूला है वो रहेगा, और स्टेट में भी इसकी चर्चा होने लगी है, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। हरियाणा सरकार द्वारा जो परिवार पहचान पत्र लागू किया गया है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए पीड़ित परेशानी पत्र बन गया है। जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है उस वक्त से लगातार लोग लाइन में, और सरकार कहती है कि हम दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त कर नहीं पा रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर से इन्होंने मनगढ़ंत आंकड़े लिए हैं, किसी से कोई सत्यापन नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और जिस प्रकार से बिना डाटा के अगर सरकार इसको सही दिशा में लागू करती, सही डाटा लेती और जिम्मेदार अधिकारियों को ड्यूटी लगाती तो मैं समझता हूं कि ये शायद ठीक हो सकता था। लेकिन सरकार ने, इस सरकार के काम है वाई वाई लूटना, और लेकिन यहाँ ये विफल हो गए हैं। और इस परिवार पहचान पत्र के नाम पे जिस प्रकार से 5 लाख से ज्यादा विधवा, बुजुर्ग और विकलांगों की पेंशन काटी और इसी के आधार पे 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। वैसे भी जहां तक केंद्र सरकार की बात है और हरियाणा सरकार की बात है, इनको लोगों को लाइन में लगाने का एक अलग ही आनंद आता है। मैं बात करूं जिस प्रकार से नोटबंदी में इन्होंने लाइन में लगाया और ये कहा था कि 1000 और 500 के नोट भ्रष्टाचार से मिट जाएगा, हम इनको बंद कर रहे हैं, आज फिर दोबारा लाइन लगा दी, अब कह रहे हैं 2000 का नोट से भ्रष्टाचार। नहीं, अब तो कोई लाइन में नहीं लग रहा 2000 के लिए। विषय नहीं, नहीं विषय ये नहीं है वरुण, मैं बादल लाइन में लगाने की। हाँ। इनको के मतलब किसी की सुख सुविधा से कोई मतलब, ठीक है, इन्होंने नई नई योजना इंट्रोड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ जनता को लाइन में लगाना है, और शुद्धिकरण नहीं हुआ है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्या ये बोलता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जवाब दे, कृष्ण ढोल का समय हो गया जी। क्या परिवार पहचान पत्र पे ये विफलता नहीं है? कृष्ण ढोल जी, मुझे एक बात बताइए, लगभग तीनों जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं आपके, तीनों ने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, परेशानी पत्र। आप बताएं, आप बहुत आशान्वित हैं इसको लेकर के, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब जो समय है, अगर 1 साल का समय मान ले चुनाव में, तो उससे पहले इस परिवार पहचान पत्र, इसके माध्यम से आपको कुछ कर दिखाना होगा, मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए वरुण भाई, सबसे पहले तो मेरे साथी केवल जी बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि इसमें बीजेपी को क्या फायदा है, यानी कि इन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की सोच को और मानसिकता को दर्शा दिया कि हम तो वही काम करेंगे जिसमें पार्टी को और पार्टी के लोगों को फायदा हो, हमें हरियाणा के लोगों से कुछ नहीं लेना, ये इनकी पार्टी का एजेंडा था। गरीबी हटाओ का नारा इनके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कब दिया था, इनसे पूछ रहे हो इतने वर्षों के शासन में वो गरीबी क्यों दूर नहीं हुई, ये भी यही बताएंगे जब इनसे आप पूछोगे। और मेरे एक और साथी जो रजत पंजेटा जी अभी बता रहे थे, और पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानियां और किस किस एंगल से सुना रहे थे, इतना विजन, इतना आइडिया और इतना सारा सिस्टम तो इनकी पार्टी को पता ही नहीं, क्योंकि इनकी तो पार्टी परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाई आज तक, इनके पास तो पूरी पार्टी के अलावा, पूरे परिवार के अलावा इनके पास सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए इनको ये चीजें परेशानी लग रही है। इनको लगता था कि मेरा परिवार सब कुछ खा पी लेगा और किसी को हम खाने पीने देंगे नहीं। क्या आम आदमी पार्टी के मेरे साथी ने एक और साथी ने बताया, सुखबीर कंवर ने, कि ये पीड़ित परेशानी पत्र बन गया है। हमारी योजना को अगर हरियाणा में कोई अच्छी योजना लॉन्च हुई है, उस योजना को अगर हमारी पार्टी के समर्थित, हमारी पार्टी के जहां मुख्यमंत्री है उनको लागू कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि भाई हम झूठी हवाई लूट रहे हैं। इन्होंने चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का एजेंडा दिया हो, चाहे वो स्कूलों का एजेंडा दिया हो, उसको कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी दोगली मानसिकता को दर्शाती है। और दूसरी बात जो अहम बात है, निश्चित तौर पर जब एक सर्वे और एक डाटा बना आया, उसमें त्रुटियां थी, हमें इसमें कोई दोराय नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मात्र इन दिनों में अभी मेरी जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र के जो अधिकारी हैं, श्रीमान विकास गुप्ता जी जो पूरे स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज की तिथि में सिर्फ 18,000 लोगों की एप्लीकेशन
इस प्रकार की विसंगतियों के साथ हैं, बाकी सब लोगों की विसंगतियां दूर कर दी गई हैं। साथियों ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी। वरुण जी, झूठ बोलने की अति और सीमा है, आरटीआई का एक्ट है, हम सब लोग टीवी चैनल पर बैठे हैं, आज जमाना साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। आप ये पूछिए कि पंचकूला जिला, अंबाला जिला जो अपने आसपास है, यहां पर कितने लोगों की पेंशन कटी है। और एक और कारण मैं उसमें स्पष्ट करता हूं कि पेंशन कटने का तरीका क्या कहता है या कारण क्या रहता है। जब एक आदमी पहले जिसका बीपीएल बना हुआ था, हमारी सरकार ने आने के बाद करीब 1 लाख नौकरियां दे दी, मान लो किसी एक परिवार से 2 बच्चे नौकरी लग गए तो वो पेंशन के लाभ पात्र कैसे रहेंगे बीपीएल की। दूसरी बात, एक और एक टेक्निकल सा विषय मैं वरुण भाई बताता हूं आपको। विडो पेंशन होती थी, निश्चित तौर पर एक विडो पेंशन आज भी है, पहले भी होती थी। हमारे परिवार में एक लड़की, मेरी बहन, मेरी माता, मेरी बुआ की बेटी विडो हो गई, उसको हमने पेंशन देनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसका उसी परिवार में देवर या जेठ के साथ शादी होगी, उसको बच्चा हो गया। अब वो विडो थोड़ी रही, तो उसकी पेंशन तो कटेगी, वो विडो की लाभ पात्र कैसे रही। कई प्रकार की योजनाएं थी जिसको हमें टेक्निकल रूप से समझा है, जाना है। रजत तो ये कह रहे थे ये परमानेंट फ्लॉ हो गया, ये जो गड़बड़ हो गई वो परमानेंट हो गई क्या, ऐसा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए, फिर वही बात है, आपका आधार, मेरा आधार, कुछ चीजों में अगर गलत हो गया, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे गलत स्पेलिंग लिखी गई, तो क्या वो परमानेंट हो गई? आज तो आरटीआई का जमाना है, आईटी का जमाना है, इतने सरल केंद्र खुले हुए हैं, आप तत्काल जाइए, तुरंत लोग आपकी 10 रुपए 50 रुपए लेकर के आपकी वो प्राइवेट आदमी ठीक कर देते हैं, सरकार के पास नहीं जा सकते। आप लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं? जी भाई जी, जी वरुण, वो कह रहे थे आप लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं। नहीं नहीं, लाइन में लगाने का तो इनका काम है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक खोले तो लाइन में लगेंगे लोग, स्कूल इनके अच्छे बनाएंगे, इनके स्कूलों के पीछे आपकी टीम ने भी, वरुण भाई, आपके जनता टीवी की दिल्ली की टीम ने वहां सर्वे किया, और जो इनकी नई आतिशी आई थी उसके आपने इनके नए शिक्षा मंत्री के जिस प्रकार के उन्होंने स्कूलों की हालत दिखाई, वो ये दिखाते थे कि मनीष सिसोदिया ने इतने सालों में क्या किया। ये तो वीडियो सबने देखे हैं कि इनकी नई शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में जब जाकर के सर्वे किया तो ठीक है। मैं केवल ढिंगरा जी के पास चल रहा हूँ। ढिंगरा साहब, मुझे बताएं भाई, वो कह रहे हैं आप तो फायदा देख रहे हैं और हमें इसमें कुछ चाहिए नहीं। ढिंगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको? अरे, तोड़ने मरोड़ने से काम नहीं होगा। असल में ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये परेशानी पत्र है। जब आप 10 लाख बीपीएल के कार्ड काटेंगे तो वो लोग परेशान नहीं होंगे क्या? अगर 5 लाख पेंशन नहीं काटेंगे आप तो वो लोग परेशान नहीं होंगे क्या? वो कह रहे हैं आपका आंकड़ा गलत है। तो जी, वो कह रहे हैं आपका आंकड़ा गलत है। 3 करोड़ लोगों की हरियाणा की जनसंख्या है, 3 करोड़ लोगों का 2 लाख 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, उसमें से इन्होंने कहा 10 और 5 15 लाख, यानी कि एक परिवार में अगर 4 या 5 आदमी माने तो इनका ये मामला के 75 लाख लोगों की हमने वंचित कर दिया। अरे कैसे अगर तुमने विकास के काम करे, क्या हरियाणा के 75 लाख लोग अगर अभी तक गरीब है तो लानत है तुम्हारी सरकार पर और सोच पर, लानत है तुम्हारे शासन पर, और लानत है तुम जो कहते थे भूपेंद्र हुड्डा ने। सरकार के ऊपर है ना, 1 मिनट सुन लो पहले बात। वरुण जी, रोको इनको। रोक दिया जी, रोक दिया मैंने, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो कह रहे हैं कि ये 10 लाख के करीब है परिवार पहचान पत्र जो बीपीएल कार्ड काटे हैं, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता क्या? सरकार क्या वैसे ही आके बैठ गई? आंकड़ा दिया सिर्फ 18,000 लोगों की पीपीपी में विसंगतियां हैं। हम कह रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ केवल भाई, आप विकास गुप्ता जी को जानते हैं, आपके समय में वो रोहतक में डीसी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम सिटी के, आप उनसे फोन करके पूछ ले, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा या आरटीआई लगा ले। आप डीसी को छोड़ो, आप ये बताओ कि अभी जो 10 लाख बीपीएल के परिवार पहचान पत्र के थ्रू आपने जो कार्ड काटे हैं, बीपीएल से लोग हटा दिए, आप बता दीजिए डेटा क्या है? आप डेटा लेके आए, बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप सत्यापित सरकार कहां में, आपने कौन सी सरकारी डॉक्यूमेंट
और ये देखा कि 10 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड कटे। आप बताइए, आप मनगढ़ंत बातें मत सुनाइए, आप कल्पनाओं में मत जिए, आप मुख्यमंत्री के एडवाइजर रहे हैं, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ केवल भाई, ये राजनीति भाषण नहीं होना चाहिए, ये पार्टी के विषय का भाषण नहीं है। रुकिए, डिंगरा साहब वो डेटा बता रहे हैं कि 18,000 पहचान पत्रों में विसंगति है इस टाइम। चलो 18,000 और फिर साबित कर रहा हूँ, केवल साबित कर दे, 10 लाख लोगों के बीपीएल कटे हैं। मैं प्रवक्ता के पद से रिजाइन दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, क्या बात करते हो आप, इन 10 लाख लोगों के बीपीएल कटे हैं। चलिए डिंगरा साहब को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। डिंगरा साहब भाई वो कह रहे हैं आप साबित कर दिए 10 लाख का आंकड़ा, मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ बीपीएल के तब थ्रू कार्ड जो काटे गए, हम कह रहे हैं करीब 10 लाख काटे गए, ये कह रहे हैं 5 लाख इनकी पेंशन कट रही है। 15 लाख बोला था अभी, अभी आपके चैनल पर 15 लाख लोगों के बोले अपने साथी भाई के बच्चे, इनके पास आंकड़ा है नहीं, मेरे पास है आंकड़ा, मैंने दिया है। चलिए ठीक है, ये है जनता के सामने झूठ बोलना, ठीक है। जनता जो सड़कों पर बैठी है त्राही त्राही कर रही है, वो क्या सभी लोग 18,000 है क्या? कौन बैठी है जनता सड़कों पर भाई, पूछिए वरुण जी, आप कहां पर आप चले बीपीपी को लेकर के कहां पर विरोध हो रहा है? आप वरुण जी पूछ लीजिए भाई से, मेरे साथी से डिंगरा साहब उन्हें बताइए भाई, जनता कहां पर बैठी है पीपीपी को लेकर सड़क पे? हम लोग आपको आंकड़ा ऐसे ही दे रहे हैं क्या? हम लोग मैं अकेला नहीं दे रहा, ये आम आदमी पार्टी भी दे रही है, ये INLD भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात रखूँ। एक मिनट रुकिए, रजत बोलिए, फिर आ रहा हूँ सुखबीर जी, आ रहा हूँ, फिर आप सबका जवाब दीजिएगा। कृष्ण जी रजत बोलिए। देखिए वरुण जी, देश ने एक इनकम टैक्स बनाया हुआ है, सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसका डेटा सरकार जब चाहे ले सकती है। उसके बाद ये जो एक राजनीतिक दल है उसको डेटा क्यों कलेक्ट करना है, उसको डेटा कलेक्ट करने के पीछे उसकी मंशा क्या है, उसको क्यों जानना है? बिजली का बिल इन्होंने कहा उसको आधार बनाया, तो बिजली का बिल का डेटा भी हरियाणा सरकार के पास है सभी का। उसके बाद इन्होंने कहा जिसके घर में फ्रिज है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, उसको नहीं मिलेगा। 5-6 मेंबर है घर में, कौन मोटरसाइकिल यूज कर रहा है भाई, क्या बिजली के बिल से है? आप ये देखिए, डेटा जो शब्द है ना, सिर्फ मंशा केवल एक राजनीतिक दल की डेटा कलेक्ट करने की, वरना अगर आपने किसी पात्र या जरूरतमंद के लिए कोई स्कीम लेके आनी है तो केवल आप उसको बोलिए, वो आपके सामने खुद अपने सारे कागज लेके आएगा कि भैया मैं जरूरतमंद हूं, ये मेरी आय है। पूरे हरियाणा की जनता का डेटा क्यों चाहिए? पूरे हरियाणा की जनता क्या इनकम टैक्स नहीं दे रही? हरियाणा देश की सरकार के पास डेटा नहीं है? पूरे हरियाणा की जनता क्या बिजली का बिल नहीं दे रही, पानी का बिल नहीं दे रही? और आपने सबको इकट्ठे कर लिया परिवार में, उनकी आय बढ़ा दी और उसको आधार मान के आपने काटी है पेंशन। अखबार मुझे तो लगता है कि या तो ढुलसाप अखबार नहीं पढ़ते या हम झूठे अखबार पढ़ते हैं, या अखबार हो सकता है झूठी खबरें छाप रहा हो। जब मैंने इसका तर्क मांगा इनसे, क्योंकि इन्होंने परमानेंट जोड़ दिया तो परमानेंट फ्लॉ तो हो गया, कल को भविष्य में क्या होगा किसको पता है। कल को मैंने जो आपको कहा कि कोई किसी की नौकरी नहीं रहती, आप मान लीजिए आपने आज आधार मान लिया नौकरी को, कल को उसकी नौकरी चली गई, कौशल रोजगार में आपने आधार मान लिया और कौशल रोजगार की 1 साल की नौकरी है, उसके बाद वो नौकरी चली गई, परमानेंट फ्लॉ हो गया क्या नहीं हो गया, वंचित हो गया क्या नहीं हो गया जो पात्र है? उसके बाद मैंने आपको तलाक तो करवा सकता है ना, वो बता सकता, वो एनरोल नहीं करवा सकता क्या अपने आपको? चलेगा और वो जुड़े हुए हैं उसके साथ, उसकी वजह से और दिक्कत भी आ रही है, या जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, पैन कार्ड अलग है, इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति पात्र है, एक तो भूखा सो रहा है घर के अंदर और एक व्यक्ति की नौकरी लगी हुई है, परिवार पहचान पत्र में इकट्ठे हैं, लॉजिक और तर्क के ऊपर बात करने के बजाय इन्होंने क्या जवाब दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार, पता नहीं क्या आपकी पार्टी के अंदर इतने परिवार के लोग बैठे हैं, हिसार का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो ले लीजिए, और पूरे देश में इतने, अनुराग ठाकुर का ले लीजिए, बीसीसीआई वाले का ले लीजिए,
मैं परिवार पे बात नहीं हो रही है, टॉपिक टॉपिक है परिवार पहचान। चलिए ठीक है, जवाब ले रहा हूँ मैं। पूरे देश में ये कहीं लागू नहीं है, पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, है? उसके बाद इनको हरियाणा में सिर्फ डेटा कलेक्ट करना था। ये चुनावी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक हित, राजनीतिक, ठीक है भाई डोल साहब, आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करना चाहते थे। आ रहा हूँ सुखबीर जी, आ रहा हूँ डोल साहब, जवाब दीजिए। आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करना चाहते थे सरकारी पैसे से, देखिए और क्या करते हैं। रजत भाई जो है वो आईटी के आदमी है और सीए है, पढ़े लिखे हैं, वो पैन नंबर और डेटा से बाहर ही नहीं गए पूरी डिबेट में। आप देखना, इन्होंने कहा कि सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं, पैन नंबर बनाओ। अरे भाई पूरे हिंदुस्तान में मात्र 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, पैन नंबर सब देते हैं। आपने भी बोला कि सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं, आपने सारे साथ के साथ फिर इनको, चूंकि आईटी के आदमी इनको लगता है कि डेटा डेटा डेटा, इन्होंने हर बार का डेटा इकट्ठा क्यों कर लिया, डेटा इकट्ठा क्यों कर लिया, क्यों डेटा चाहिए, क्यों डेटा चाहिए। अरे भाई हमारे को डाटा इसलिए चाहिए कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनका यह विजन है कि मेरे पूरे प्रांत में सरकार की योजनाएं जो आपके समय में चली वो तो सिर्फ आपके लोगों को मिली, कांग्रेस के समय में चली क्या वो 100 रुपए के कितने पैसे पूछते थे ये उन्होंने खुद माना हुआ है। अब बार बार इसका दोहराने का फायदा नहीं, रुक जाओ आप, रुक जाओ पंडिता जी, बाद में बोलना, सरकार बाद में बोलना, आप लोग तो जेल में गए हो, बाद में बोलना है। हमारे लोगों को मिली, आप लोग तो भ्रष्टाचार को अखंड तक डूबे हो, आपको तो सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार में, आप तो मत बोलो। वरुण जी ये कोई बात नहीं, काउंटर करने दो, आप गलत बात कर रहे हो। तो गलत बात होगी ना कि हमारे सरकार में योजना सिर्फ हमारे लोगों को मिली, तभी तो आपको ये बात हजम नहीं आ रही। काउंटर करिए ना, मना थोड़ी कर, ये तो कोई तर्क ही नहीं है ना, ये तो कोई तर्क नहीं है ना। अच्छा एक मिनट सुखबीर, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं जी, जा रहा हूं। सुखबीर जी बोलिए। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम मात्र 18,000 विसंगतियां हैं, अगर 3.25 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 18,000 होती थी कोई मुद्दा नहीं बनता। और निश्चित तौर पे आज भी ये यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाए, अपनी टीम भेज के पता करा ले, आधे से भी ज्यादा लोगों के परिवार पहचान पत्र में विसंगति है, वो माने ना माने लेकिन धरातल की सच्चाई ये है। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा था किसान आंदोलन में कि जनता के बीच में लोहे खंड भी पहन के जाने पड़ेंगे, ये अपने सिलवाले प्यार रहे, जनता इनके क्रियाकलापों से इतनी दुखी और इतनी परेशान है, इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और जिस प्रकार से किशन ढुल जी ने कहा, जो दिल्ली का उदाहरण दे रहे थे, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले दिल्ली का स्कूल पूरी दुनिया में 1 नंबर पे है, शायद आपके दिमाग में कुछ और ही भरा हुआ है। दिखा दो एक बार, अभी अभी चैनल पे सबको दिखा दो ना। अरे अभी झूठ की तो बात, आप अभी दिखाओ ना, आपके पूरे देश से कौन मान लेगा, कौन न्यूज़पेपर दो, आप पैसा दो, बताओ मेरे साथ चलो, आप दिखाओ ना, आप ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके कहाँ है, आपके दिमाग में कुछ और ही भरा हुआ है, आप नहीं मान सकते ये बात, ये धरातल की सच्चाई है, पूरी दुनिया में 1 नंबर, क्या बात करते हो, है कुछ नहीं आपके पास, अरे कोई किसी बात का विरोध करना है तार्किक विरोध करो, ये क्या तरीका है, ये कौन सा विरोध हुआ, जब मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, उस आपकी जिम्मेदारी क्यों थी, आपके कैसे मान ले, आप कह रहे हो पूरी दुनिया में आप भगवान हो, सत्यवादी रिश्तेदार होकर कह रहे हो, आपकी बात मानी जाए, मेरा नंबर ले लो, मैं स्कूल में ले चलूंगा। अरे नेट पे दिखाओ ना, अभी ब्रेक में जाओ, आप बोलो कि मैं मेरे को 1 मिनट का समय दो, मैं इंटरनेट से अभी निकाल के दिखाता हूँ, ले चलूंगा। चले सर, ये डिबेट तो यार बिना ब्रेक के ही होती है और समय थोड़ा कम ही रहता है। अब जल्दी जल्दी मैं सिर्फ 30 सेकंड में आ रहा हूँ फटाफट से। ढोल साहब कंप्लीट कीजिए, फिर एक जवाब और लेना मुझे। देखो जैसे मैंने ये कहा, मेरे सभी साथियों ने बताया और सब ने ये कहा कि झूठ की बात है, मैंने कहा कि सरकार की चीज आंकड़ों पर चलती है और आज के दिन एक बहुत अच्छा हथियार आरपीआई का भी है। और जो मेरे साथी सुखबीर तंवर ने कहा, कितनी बड़ी बात कही कि हमारा स्कूल जो है, मैं कह रहा हूँ पूरे दुनिया में फंसता है। अरे भाई अगर आपके पास ये चीज दिखानी है, आप तुरंत इंटरनेट पर खोलो और दिखाओ कि ये देखो कि दिल्ली का ये स्कूल जो है नंबर 1 आ गया। अब देखो चीखना और चिल्लाना इनकी आदत है, रुक ही नहीं रहे, बोलते जा रहे, लगा झूठा केजरीवाल नंबर 1 है इनका नेता। चलिए सर, मैं ये विषय कहीं और जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय भी इतना ही था, मैं चर्चा को यही रखना चाह रहा था। पीपीपी पर आप आंकड़ा दे रहे हैं 18,000 का, विपक्षी बता रहे हैं बड़ा आंकड़ा है, कुल मिलाकर देखते हैं कि स्थिति क्या कुछ बदलती है, क्योंकि सरकार को पीपीपी से बड़ी उम्मीद है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप।
यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।